Subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you. एक मकान अनेक ईंटों से या पत्थरों से बनता है, उस तरह प्रत्येक मानव या प्राणी का शरीर अनेक सेल्स या कोशिकाएं मिलकर बनता है। सेल्स के एक साथ मिलने से अंगों का निर्माण होता है और विविध अंग मिलकर मानव शरीर को चलाते हैं। हमारे शरीर की सेल्स जेनेटिक कोड या डीएनए द्वारा चलाई जाती हैं। डीएनए निर्देशों से सेल्स को ये बताया जाता है कि क्या करना है और किस तरह काम करना है। ये जेनेटिक कोड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह सेल्स को चलाता है। हमारे शरीर की सेल्स निरंतर विभाजित होकर नई सेल्स का निर्माण करती रहती हैं, ताकि पुरानी सेल्स को बदला जा सके और शरीर का विकास जारी रहे। आमतौर पर एक सेल कई बार विभाजित होती है और फिर इसके नष्ट हो जाने के बाद खुद ब खुद एक नई सेल इसकी जगह पर तैयार होती है। ये प्रक्रिया बेहद नियंत्रित होती है। कभी कभी डीएनए में डिफेक्ट या गलतियां हो जाती हैं और खराब सेल्स का निर्माण होता है। ये खराब सेल्स लगातार विभाजित होती हैं और उनकी संख्या बढ़ती रहती है। ये सेल्स ठीक तरीके से काम नहीं करती हैं और ये कैंसर का रूप ले लेती है। जब किसी अंग में कोई कैंसर युक्त अथवा खराब सेल्स आ जाती हैं, तब ये अंग कार्य करना बंद कर देता है। क्योंकि शरीर में सभी अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए जब कोई एक अंग सही तरीके से काम करना बंद कर देता है तो अन्य अंगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। शुरू में जिस अंग में कैंसर पैदा होता है उसी में ही बढ़ता है। इसे प्राइमरी स्टेज का कैंसर कहते हैं। जब इस अंग में पैदा हुई कैंसर वाली सेल्स टूटकर खून द्वारा शरीर में अन्य हिस्सों में चली जाती हैं, तो कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है। इसे सेकेंडरी कैंसर या मेटास्टैटिक कैंसर कहा जाता है। कैंसर क्यों होता है? बड़े लोगों में वातावरण में होने वाले प्रदूषण के कारण, जैसे सिगरेट पीने से फेफड़े का कैंसर और तंबाकू चबाने से मुंह का कैंसर हो सकता है। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का कुछ रेडियो एक्टिव सामग्रियों या खाने में ऐसे रसायनों के संपर्क में आने के कारण कैंसर हो सकता है। बच्चों में होने वाले कैंसर का कारण हमें पता नहीं है, क्योंकि बच्चों के अंग बहुत तेजी से बढ़ते हैं। उनकी सेल्स में खराबी आने का खतरा ज्यादा होता है और इसी वजह से उनको कैंसर हो सकता है। ये शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। कैंसर छूत का रोग नहीं है और ये व्यक्ति से व्यक्ति के पास आने के कारण नहीं फैलता है। कैंसर छूने से, साथ में बैठने से, मिलकर खाने से, साथ में पढ़ने से और खेलने से नहीं फैलता है। कैंसर के कितने प्रकार होते हैं? कैंसर दो प्रकार का होता है, ब्लड कैंसर और सॉलिड ट्यूमर्स। ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, जिसमें अस्थि मज्जा या बोन मैरो में व्हाइट ब्लड सेल्स बेहद जल्दी जल्दी बढ़ती हैं। इससे अस्थि मज्जा में कैंसर वाली खराब सेल्स भर जाती हैं और स्वस्थ सेल्स को विकसित होने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। ब्लड कैंसर के एक अन्य प्रकार को लिम्फोमा कहा जाता है और इसमें लिम्फ नोड्स में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स बेहद जल्दी जल्दी विभाजित होती हैं। सॉलिड ट्यूमर्स, इसमें कैंसर युक्त सेल्स शरीर के किसी एक अंग पर मिलकर एक गुच्छा बनाती हैं, जिसे ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर शरीर के किसी भी हिस्से में विकसित हो सकता है और ये शरीर के स्वस्थ अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। कभी कभी कुछ ट्यूमर्स धीरे धीरे बढ़ते हैं और इनसे जान को खतरा नहीं पहुंचता है। इन्हें बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स तेज बढ़ने वाले ट्यूमर्स होते हैं और जान के लिए हानिकारक होते हैं। इनका तुरंत उपचार किया जाना चाहिए। कैंसर का उपचार किस तरह किया जा सकता है? बच्चे में कैंसर किस प्रकार का है, इस पर उपचार के प्रकार निर्भर करते हैं। हर बच्चे का इलाज अलग होता है और इसका निर्णय डॉक्टर के द्वारा लिया जाता है। सॉलिड ट्यूमर्स को निकालने के लिए सर्जरी का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर द्वारा ट्यूमर और आसपास के ऊतकों को शरीर से निकाल दिया जाता है।
कीमोथेरेपी में खाने वाली या इंजेक्शन वाली दवाओं के माध्यम से कैंसर युक्त सेल्स को नष्ट किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी में एक मशीन की ऊर्जा युक्त अदृश्य किरणों द्वारा शरीर के किसी खास अंग में मौजूद कैंसर युक्त सेल्स को नष्ट किया जाता है। इसके अलावा कोई भी इलाज करने से पहले आपके डॉक्टर से बात करें। गलत इलाज करने से आपके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। कैंसर से कैसे निपटना चाहिए? जब आपको पता चलता है कि आपका बच्चा कैंसर से पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में आशावादी और पॉजिटिव रवैया अपनाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल नॉर्मल रवैया रखें। हर समय बच्चे की बीमारी और अपनी चिंताओं पर बच्चे के सामने चर्चा न करें। इससे बच्चा परेशान हो जाता है। अपना रोजाना काम नॉर्मल तरीके से करें। इससे बच्चे की जिंदगी में स्थिरता आएगी। बात करें। यदि आपका बच्चा समझदार है तो उसे बीमारी के बारे में बताना अच्छा होगा। उसे बताएं कि वह इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो सकता है। बच्चे को सवाल पूछने दें। यदि आपको लगे कि बात करने की सवाल पूछने की जरूरत है, तो कृपया डॉक्टर या प्रशिक्षित काउंसलर से बात करें। अपनी चिंताओं को छुपाएं नहीं। बच्चे को बिजी रखें। बच्चे को अलग अलग एक्टिविटीज में बिजी रखें। बच्चे को बिजी रखने से उसका मन व्यस्त रहेगा। बच्चे को पढ़ने, गाने, चित्र करने, गेम खेलने और पहेलियां सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करें। ये सभी बच्चे के दिमाग को स्वस्थ रखेंगे। बच्चे को तंदुरुस्त रखें। यदि बच्चे को ठीक महसूस हो रहा है, तो उसे बाहर भीड़ भाड़ से अलग और धूल मिट्टी रहित वातावरण में खेलने दें और कुछ ताजी हवा प्राप्त करने दें। इससे बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। नरमी से पेश आए। उपचार के दौरान कुछ दिन बच्चा अच्छा महसूस नहीं करेगा और उसकी कुछ खाने की इच्छा नहीं हो सकती है। ऐसे में थोड़े थोड़े समय के बाद बच्चे को हल्का फुल्का खाना दें जो बच्चे को पसंद हो। बच्चे को आराम करने या खेलने की इजाजत दें। प्यार दिखाएं। बच्चे को प्यार दिखाने से उसको ये महसूस होता है कि आप उसकी परवाह करते हैं। नई और मुश्किल परिस्थितियों में बच्चों को बार बार आश्वस्त करने की जरूरत होती है। प्रार्थना करें और गाएं। इससे अक्सर आनंद और शांति बनाए रखने में मदद मिलती है। यदि आप एक परिवार के रूप में मिलकर प्रार्थना करते हैं या गाते हैं, तो इससे तनाव से छुटकारा मिलता है। बाकी परिवार के साथ संपर्क में बने रहें। आपके दूसरे बच्चों के साथ बातें करें, क्योंकि उन्हें भी आपके समय की जरूरत होती है। आशा बनाए रखें। जब आपको पता चलता है कि आपके बच्चे को कैंसर है, तो ये बहुत मुश्किल समय होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि शुरू में ही रोग की पहचान हो जाए, तो बचपन में हुए कैंसर का इलाज हो सकता है और ज्यादातर बच्चे ठीक हो सकते हैं। कैंसर के इलाज के शुरू होने के 5 साल बाद यदि आपका बच्चा ठीक है, तो कैंसर वापस आने की संभावना नहीं है। कैंसर के इलाज होने के बाद बच्चे बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। ये बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं और बड़े होकर शादी करके अपने परिवार को बढ़ा सकते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि लाखों बच्चे कैंसर से मुक्ति पाकर एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। ये वीडियो सेंट जूड इंडिया चाइल्ड केयर सेंटर्स